महाशिवरात्रि की भीड़ है भैया, महाशिवरात्रि की भीड़ है, सब मंदिर जा रहे हैं, क्या बात है। हर हर महादेव, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और बहुत शोर है यहाँ पे क्योंकि हम लोग इस टाइम पे चुंगी पे खड़े हैं और कल 1 मार्च को है महाशिवरात्रि का पर्व। तो हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल बनारस के लिए और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जो नया वाला मंदिर बना है। जब से मंदिर बना है तब से दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल हमारा दोस्त पुलकित है, वो बस अड्डे से बस पकड़ लिया उसने बनारस के लिए और यहाँ चुंगी पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ है मृदुल भाई और बनारस में ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे दोस्त पहुँच चुके हैं, जिसमें वैभव है, जितेश है, विशाल है, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ बनारस में उनसे मुलाकात होगी। फिलहाल सुकून से आगे का पूरा डिटेल आपको बताते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। फाइनली हम लोग खड़खड़ाई बस में बैठ चुके हैं और बनारस के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल है महाशिवरात्रि का पर्व, तो जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। और ये देख सकते हैं आप प्रयागराज के शानदार नजारे। कल समापन हो जाएगा मेले का जो थोड़ा बहुत बचा हो। तो भैया अभी प्रयागराज से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं और 1.25 घंटे लगेंगे बनारस पहुंचने में। थोड़ी सी फ्लाइट हम लोग की डिले चल रही है। हाँ, तो हमारे जो बनारस में मित्र है उन्हें पता नहीं कि पुलकित भी आ रहा है, तो पुलकित को सरप्राइज पैकेट में रखा हुआ है। कॉल पे बताया कि पुलकित नहीं आ रहा है, तो पुलकित जब उनके सामने जाएगा तो उनका रिएक्शन देखेंगे। और भाई कॉल करके जो हमारे मित्र है ना, होटल बेचारे 1-2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने थोड़ा अपना भौकाल दिखाया और होटल दिलवा दिया है भाइयों को। हमारे जो रजत भैया है, चाचा विधायक, हाँ, जो हमारे भैया है वो बनारस के भौकाली आदमी है, तो उन्होंने होटल दिलवा दिया। तो अभी रजत भैया से मिलाएंगे बनारस में और चौचक दर्शन करवाएंगे। और फिलहाल सामने भैया ये भी काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तो एक बार जयकारा हो जाए जोरदार। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो भैया अभी हमारी बस रुकी थी और आई भदोही पे, और ये बस स्टॉपेज है यहाँ का। यहाँ से जब बस निकलेगी सीधे तो बनारस ही पहुँचेगी। यहाँ पे छोला समोसा ट्राई किया, 2 गोल्डिक समोसा भाई, मतलब यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आना तो यहाँ पे समोसा बिल्कुल मत खाना, बहुत बेकार समोसा भाई, एकदम समझ नहीं आया टेस्ट। मूड खराब हो गया यार। विश्वनाथ इससे पहले जाना हुआ है तुम्हारा? और मृदुल तुम्हारा? मेरा तो मैंने भी दर्शन किया है काशी विश्वनाथ का, लेकिन जो नया वाला भी मंदिर बना है ना, तो पहली बार देखेंगे सामने से कि कैसा लग रहा है। फोटोज में तो देखा है बड़ा, वीडियोस में। और बहुत आसान नहीं है, बहुत। और सबसे बड़ी बात है ना, महादेव का बुलावा किस मौके पे आ रहा है, वो भी महाशिवरात्रि पे। क्या ही बात है, अचानक से 1 घंटे के अंदर बिल्कुल प्लान नहीं था कुछ भी, हम लोग अपने काम में बिजी थे, अचानक से सारे दोस्त वहाँ पहुँच गए। फिर हम लोग कभी था कि यार भाई इतने लोग दोस्त साथ में पता नहीं कब जाएंगे, तो चलते हैं हम लोग भी बनारस। हाँ, बस इसी बस में बैठिएगा, इसी बस। हर हर महादेव का नारा हो जाए। काशी विश्वनाथ जा रहे हैं कल, ये बनारस के हैं, क्या बात है। हर हर महादेव। और हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं बनारस, और ये वाराणसी कैंट है और यहाँ पे चाय पीते हैं। अभी बज रहे हैं लगभग रात के 11:30। चैनल का नाम है घुमक्कड़ प्रयागी। लाइव आएगा ना भाई? हाँ बिल्कुल, आप लोग आ चुके हैं। तो वहाँ पुलकित लोग जो है चाय पी रहे हैं, हम भी चाय पीते हैं, और फिर यहाँ पे जहाँ रूम है हम लोग का, जहाँ रुके हुए हैं वहाँ चलेंगे। तो भैया अभी हम लोग बनारस की टेम्पो में, ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो है ना, ऑटो में बैठ चुके हैं। और जैसे एक ऑटो वाले से पूछा कि भैया चलना है हैदराबादी गेट, 300 रुपया किराया बताइस भाई। हम कहे बाबा हैदराबादी गेट चलना है, हैदराबाद नहीं चलना है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो टेम्पो में बैठ गए हैं और यहाँ से BHU जाएंगे, और BHU तक का जो कैंट से किराया है वो 25 रुपये सवारी है। तो आप लोग भी जब आइएगा तो इतना ही है फिलहाल चार्ज। तो अब हम लोग यहाँ से BHU निकलेंगे और फिर वहाँ से आगे का सीन बताते हैं आपको। इस ऑटो में जो है भैया को जो है दिन में दिखाई देता है, रात में जो नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि लंका उनका कहाँ से, दूसरे ऑटो वाले से पूछ रहे हैं। न्यूज चैनल में जाएगा सीधे। मृदुल बहुत गुस्सा आ चुके हैं, एकदम खौफनाक जो है वहाँ पे, वार्निंग वार्निंग। भैया दिन में पहुंचा देंगे कहीं भी आपको जाना हो, लेकिन रात में नहीं पहुंचा पाएंगे पूछ पूछ के। चलिए बड़े है बनारसी जो है, एकदम लग रहा है जागरण बनारस में खबर छप जाएगी आपकी। तो अभी दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाशिवरात्रि की भीड़, ये सब महाशिवरात्रि के लिए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। और अभी मैं इस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ BHU के मेन गेट के सामने। ये आपका मालवीय जी की मूर्ति है यहाँ पे, और यहाँ से निकलेंगे हैदराबादी गेट, जहाँ पे हमारा रूम है, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं रजत भैया के यहाँ। बाप रे बाप, हर हर महादेव। चल चल चल, हर हर महादेव। क्या बात,
आप देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि की कितनी ज्यादा यहाँ पे झूम है, सब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत ही हर हर महादेव। तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं? पचकोस करने पर वहाँ जाएंगे, ये कपिल धारा पे। अरे वाह, क्या बात है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं, पांडेपुर से। अच्छा वाह, क्या बात है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ से। सीन अभी ये है कि हैदराबादी गेट के पास हमारा होटल है, रूम है जहाँ हमें जाना है, लेकिन वो मेन गेट से 6 किलोमीटर दूर है और BHU के अंदर से हैदराबादी गेट अभी हम लोग नहीं जा सकते बिकॉज गेट बंद है और हमारा होटल जो है वो बनारस BHU के बाहर में है और टेम्पो वाले अंदर ही जा सकते हैं और मेन रास्ते से तो जा नहीं सकते बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पैदल ही जाने का ऑप्शन है अभी। तो 6 किलोमीटर जाने की बजाय होटल हम लोग सीधे 80 घाट निकल रहे हैं। 80 घाट कितना दूर भाई यहाँ से? आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर। ठीक बा, ठीक बा, हर हर महादेव। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं और मैंने खाना खा लिया था घर निकलने से पहले, ये दोनों बेचारे खाने की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं खाना बिल्कुल अवेलेबल नहीं है क्योंकि 12 बजे का टाइम है, रात के 12 बजे कहाँ ही खाना मिलेगा। तो फिलहाल ये है लाइफ का एडवेंचर, पैदल बनारस की सड़कों पर रात में इंजॉय कर रहे हैं, तफरी घाट रहे और 80 घाट पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भैया मिले हमारे स्विगी वाले और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट है जो हमेशा खुला रहता है, तो वहाँ हम लोग खाने पीने जा रहे हैं और इन दोनों की तो भूख से जान निकली जा रही है। और यहाँ पे खाने के लिए जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और स्विगी जोमेटो दुनिया भर का स्पाइसी बाइट और पता नहीं क्या कुकरू सब ढूंढ लिया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। फिलहाल एक ही रास्ता अपने पास है कि यहाँ वापस कैंट चलते हैं, वहाँ कुछ खा पी के और फिर आते हैं इधर। और ये हमारे जो है स्विगी वाले भैया यहाँ पे लाए थे लेकिन यहाँ पर भी जो ऑप्शन था वो क्लोज़ हो चुका है। तो बनारस की पहली रात ऐसी कुछ गुजर रही है भूखे प्यासे, हम लोग पता नहीं कहाँ पे 80 घाट के पास में ही है और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए खाने को क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ना टेम्पो की व्यवस्था है ना कोई शॉप खुली है, एकदम समझ लो एकदम सब बंद है। तो देखते हैं क्या करते हैं, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो फिलहाल खाने की व्यवस्था हो गई है, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा था तो वहाँ महादेव ने जो है अपने दूध को भेज दिया और दाल चावल की व्यवस्था हो गई है। तो यार ये एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ बनारस में, क्या मृदुल भाई? स्विगी वाले भैया पहुँचे, मतलब स्विगी वाले भैया मिले वो यहाँ हमें क्लाउड किचन में ले आए हैं, हर तरफ से हेल्प करने की कोशिश की गई भगवान भोलेनाथ। हाँ, और फाइनली दाल चावल मिल जाएगा हमें, हम खा लेंगे थोड़ा पेट भर जाएगा, उसके बाद रहने होने का तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है पुलके एडवेंचर। अरे सब भुक्कड़। और मृदुल भाई हमारे जो है सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है मृदुल? और दोस्तों मैंने आपको जो दिखाया ना लोगों की भीड़ दौड़ रहे हैं, जो लोग वो पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं जो कि 75 किलोमीटर की यात्रा है, सिर्फ दौड़ कर ही करेंगे वो। तो ये है जो है महादेव के नाम का जो है रंग, उनकी भक्ति। तो गर्मा गर्म जो दाल चावल आ चुका है, ये बात व्यवस्था टाइट है, मृदुल भाई भी खुश हो चुके हैं और अंकल रोटी भी बनवा रहे हैं, बस और क्या चाहिए, रोटी दाल चावल बेस्ट खाना। तो अंकल जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, रात में जहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपने एक बात बोली वो एक बार फिर से क्या रिपीट कर सकते हैं? भगवान, ये भगवान विश्वनाथ जी मानपूर्णा जी की नगरी है जी, यहाँ भूखा तो आदमी आता है लेकिन भूखा सोता नहीं, भूखा सोता नहीं है। तो ये आज सिद्ध हो चुका है, अंकल जी महादेव के दूध बनकर हम लोगों के सामने आए और बहुत ही टेस्टी खाना था। तो अंकल आपकी क्लाउड किचन का नाम क्या है? हटसन बे, HUDSUNBAY। एग्जैक्ट लोकेशन ये क्या होगी? ये एग्जैक्ट लोकेशन नगवा, नगवा, नगवा प्रभात नगर कॉलोनी नगवा। अच्छा, तो यहाँ जब भी जो भी बनारस में आता है खाने पीने के लिए जरूर आ सकता है, बहुत ही मेरा क्लाउड किचन है, अमेजिंग स्वाद है क्लाउड किचन है, यहाँ से डिलीवरी वगैरह होती है। अंकल जी आपका नाम क्या है? सतीश कुमार जायसवाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मिलकर, हर हर महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव, ये बात। तो आज जो है अंकल जी ने इतना टेस्टी खाना खिलाया दाल चावल, उसे खाने के बाद एकदम आत्मा तृप्त हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पैसे के लिए बोला तो पैसा ही नहीं ले रहे थे, जब हम लोग ने पैसा देने के लिए कहा तो उन्होंने, उनके वर्कर भी मना कर रहे थे। हाँ। अंकल जी ऐसा नहीं कि सिर्फ अंकल जी भी मना, वर्कर भी कहा कि नहीं भैया प्लीज आप पैसा मत दीजिए। उन्होंने बोला कि जो वर्कर है ना उन्होंने, उनको महादेव ने बोला कि इन्हें खाना खिला दो। हाँ। तो बड़े प्रेम से खाना खिलाया और इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट खाना, घर जा रहे थे। आज समझ में आया कि भूख क्या होती है भाई, मजा आ गया, इतना इस टाइम पे आनंद मिल रहा है ना कि क्या ब्लॉग बन रहा है। और फिर भी हम लोगों ने उनके पॉकेट में पैसा डाल दिया। हाँ। ले नहीं रहते लेकिन डाल जबरदस्ती। फिलहाल अभी आगे का प्लान है 80 घाट जाने का जो कि पास में ही है, तो 80 घाट पहुंचते और
आगे का जो व्यू है वो आप अस्सी घाट का देखेंगे, बाकी सजावट और हमारे मित्र लोग देख सकते हैं। हमारे मित्र लोग पैदल आ रहे हैं। हाँ वो तो पैदल हम लोग तो काफी निकट है अस्सी घाट के, उन लोग 5 किलोमीटर दूर पैदल आ रहे हैं। ठंडे ही पी लो, प्रसाद है, प्रसाद सादा है, पी लो पी लो। लेकिन सादा बोल के पिलाते हैं, लेकिन मांग रहता है, जाओ देखो थोड़ा ट्राई करो, मजा आए। अबे पी लो, अगर अबे प्रसाद है पी लो। ये दिख रहा है, ये नीचे जो रहता है ना वो है भैया, वीडियो बना रहे इसलिए आपको मजाक ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको दे दो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये है भैया, ये भांग नहीं पीते हम, तो नहीं पीते हैं ये, ये हम पकड़ ले रहे हैं, पकड़े ऐसा कुमारी होगी अगर होगा तो, बहुत टेस्टी है। मेरा महाशिवरात्रि का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, हम प्रयागराज से हैं तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब हम लोग गए थे, ऐसे लगा हुआ था प्रसाद, तो मैंने बोला सादा है, बोले हाँ सादा है, तो हम पिए, बड़ा टेस्टी लगा, और हम 8-9 गिलास पी लिए, और उसके बाद जो फिर नशा चढ़ा है ना, 7 दिन तक नशा था, हर गिलास में एक गोला था। लेकिन भैया कह रहे हैं सादा है तो सादा ही है, चलिए हर हर महादेव, कभी मुलाकात होगा फिर। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी एक आंटी मिली तो हमने उससे पूछा कि अस्सी घाट किधर है, तो कैसे बना रही थी पुलकित मुंह, अस्सी घाट किधर है आंटी। अबे हम लोग को लगा कि एकदम साक्षात चुड़ैल बैठी है, थोड़ी दूर पे फिर ना बैठी मिली। अस्सी घाट किधर है आंटी। नहीं ऐसे कर रही थी, ऐसे रिएक्शन अलग रहेगा। हम क्या भाई कहा है। दोस्तों हम लोग 80 घाट के करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ पे इश्क ए बनारस, वाह एकदम चौचक व्यवस्था है, हर हर महादेव, क्या बात है। घुमक्कड़ प्रयागी यूट्यूब चैनल, घुमक्कड़ प्रयागी, ये बात, हर हर महादेव, और एकदम रंग चढ़ा है महादेव के नाम का। हम लोग 80 घाट पहुंच चुके हैं, बाबा पान दरबार रूट, बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे। हाँ पंचकोशी की वजह से सारा बंद कर दिया गया, नहीं तो हमेशा खुला रहता है ना, हमेशा खुला रहता है, रात भर 24 घंटे खुला रहता है, इसमें 24 घंटे छूट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आइए देखते हैं माहौल क्या है 80 घाट का, आपको दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले आए होते तो इतनी भीड़ थी 80 घाट। अच्छा अच्छा, कई लाख की संख्या थी। अरे बाप रे, कई लाख, हम लोग भीड़ देखे जाते हुए सब, क्या बात, पहले आना होता तब मजा आता। अरे यहाँ लाइन से कितने घाट है, शायद 84 घाट है ना, ये 80 घाट है, उसके बाद नहीं, लाइन से भी मतलब टोटल 80 घाट है यहाँ पे। अच्छा 80 घाट है, ये सबसे लास्ट वाला है, उधर पूरा लास्ट है, सामने घाट आखिरी है। अच्छा सामने घाट, उसके बाद सामने घाट है, वाह। किनारे इधर इधर ही, तो आइए रात में जो है ना, तो लिखा रहेगा बहुत घाट है बनारस में, जो रात के टाइम घाट के व्यू दिखाते हैं आपको, देखते हैं कैसा वाइब है महाशिवरात्रि की एक रात्रि पहले का। और ये है सामने 80 घाट, और यहाँ सब विश्राम कर रहे हैं, और आइए दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। यहाँ पे आरती होती है लाइन से, यहाँ पे सारे घाट है, सामने घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, तो घाट का जो रात में व्यू ले रहे हैं, और बाकी सुबह आपको नज़ारा दिखाएंगे। अभी फिलहाल पंचकोशी यात्रा यहाँ से गुजरी है, इसलिए आप गंदगी देख रहे हैं, वो सुबह तक साफ हो जाएगी सारी। यहाँ पे नींबू की चाय की व्यवस्था हो चुकी है, अब नींबू की चाय पियेंगे तो थोड़ा सा नींद हमारी जो है भागेगी, फिर घाट का भ्रमण करेंगे। क्या 10-12 मच्छर पाल रखे हैं हम लोग ने, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं हम लोग। क्या बात है भैया, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू भाई, तो गोलू भाई हमें आज नींबू की चाय की व्यवस्था कर दिए हैं, ये बात। फाइनली मिलन हो चुका है, वो देखिए सामने हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, और ये रावत और अज्जू सब भागते हुए, ओ नमो पार्वती पताये हर हर महादेव। भाई ये फिर तार लगा, तार लगा, तार हमारे अकाउंट लगा हुआ है। और रजत भैया क्या हाल है? हर हर महादेव। ओ भाई स्वैग, फाइनली वी आर एट बनारस। हाँ अरे मार का पूछो। हाँ तो शिवजी पार्वती जी की शादी है, बाराती हम लोग। तेरी
और फाइनली अपना पूरा ग्रुप मिल चुका है, अब आएगा असली मजा, अब बनारस को छानेंगे अपने अंदाज में। हां तेरी चौचक रहते तो तू सुगी वाला मिला वर्कर थे, उन्होंने बोला कि मतलब एंड टाइम पे जब लगा कि कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, तो उन्होंने बोला कि जो दाल चावल की व्यवस्था हो जाएगी, तो उन्होंने गरम गरम दाल चावल हम लोग के लिए बनाया, तुरंत बनाया भाई, जीरा राइस और फ्राइड दाल और रोटी, भाई इतना यमी था ना। और सुनो, एक रुपया नहीं लिया उन लोगों ने हमसे, कह रहे थे कि मतलब ऐसा लगा कि महादेव ने आपको भेजा है और उनके लिए हम आपको खाना खिला रहे हैं। अरे यार, हर हर महादेव, फ्री में आए भाई, फ्री में, तो महादेव की कृपा है, बोलो हर हर महादेव। सुनो, विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट है और इसके अंदर है मेन मंदिर आपका, और ये देख सकते हैं दोस्तों आप मणिकर्णी का घाट, तो बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भट्ट। तो डुबकी मारते हैं गंगा जी के नाम बनारस के दशाश्वमेध घाट पे। तो दोस्तों अभी हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं लक्ष्मी चाय वाले, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ। दीदी शॉल्ट बाबा जी।